दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास हल्दी का झाड़, जितनी ऐसे कई सारे झाड़ है मेरे पास, जितनी मेरे को ज़रूरत है मैं बस उतनी हल्दी देखूँगा। इधर दिखो आज, ये देखिए दोस्तों, भरपूर मात्रा में शुद्ध कच्ची हल्दी, जितनी मेरे को ज़रूरत रहेगी मैं सिर्फ उतनी ही हल्दी लूँगा, प्योर हल्दी। आइए इसे बनाते हैं अभी उधर के लिए तेल। जय महाकाल, मैं आपका दोस्त बलर सिंह, स्वागत है आपका क्षत्रिय प्रणाम में। दोस्तों, कई सारे हमारे भाई बंधु जो हमारे से मुद्गर ले रहे हैं, उनको वो लोग चाह रहे हैं कि तेल के बारे में, यानी जो मुद्गर को अप्लाई करते हैं, जो मुद्गर का खाना है जिसको अपन खाना खिलाएंगे तो उन्हें अच्छे से रहेगा कम से कम 50 साल के लिए। ऑयल के लिए उनको कई सारे दिक्कत हो रही। आज भी मेरे को तीन चार कॉल्स आए ऑयल के लिए। अगर आप खुद बनाकर हमें दे सकते तो दो बोलकर। तो आज मुद्गर के लिए ख़ास तौर से तेल कैसा बनाया जाता है, यह आज आपको कंप्लीट प्रोसेस में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी होती है तेल मुद्गर पे लगाने के लिए, उसका ही प्रोसेस आज मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर अपन ले रहे हैं सरसों का तेल, हल्दी, नीम का पत्ता, अदरक और अजवाइन, जो कि आपको एक रिफ़्रेशमेंट देगा, सुबह सुबह आपको एक फ्रेशनेस देगा। रूम में भी रखेंगे आप तो आपको रिफ़्रेश करते रहेंगे। इसके लिए मैं सरसों का तेल लिया। आएगा प्रोसेस देखिए आप ही खुद ही। देखिए दोस्तों, एक कच्ची घनी ऑयल सरसों का, जो कि बहुत लाभकारी है। जब तक ये तेल गर्म होता आपको दूसरा प्रोसेस बताता हूँ मैं। ये तेल को गर्म होने देंगे अपन। ओके लीला। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास हल्दी का झाड़, जितनी ऐसे कई सारे झाड़ है मेरे पास, जितनी मेरे को ज़रूरत है मैं बस उतनी हल्दी देखूँगा। इधर दिखो आज, ये देखिए दोस्तों, भरपूर मात्रा में शुद्ध कच्ची हल्दी, जितनी मेरे को ज़रूरत रहेगी मैं सिर्फ उतनी ही हल्दी लूँगा, प्योर हल्दी। आइए इसे बनाते हैं अभी उधर के लिए तेल। जो मेरे घर में ही लगी हुई थी, जितनी ज़रूरत है मैं उसको उतना ही लिया। कच्ची हल्दी इसलिए क्योंकि इसके अंदर अगर दबाए तो जरा विष्णु नजिक लो, इसको अगर आप दबाए तो इसके अंदर से रस निकलता जो कि बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है। जितना हो सके उतना छिलका निकाल देने का इसका। देखिए एकदम फ्रेश हल्दी, एकदम फ्रेश। अब इसको कूटने का भी अंदाज़ ज़रा क्षत्रिय प्राणायाम के चाल में रहेगा, इसको कूटेंगे भी अपन मुद्गर से। इधर बताओ, अंदर बताओ, पकड़ो इस, पकड़ो योग, ये पकड़ो। ये देखिए दोस्तों, कच्ची हल्दी एकदम तेज़, जो कि महक रही मेरे को, हमारे अतराफ में पूरा इसकी महक फैल जा रही। ये पीसने के बाद इसमें डालना है थोड़ी कच्ची अदरक, वो भी फ्रेश। ये देखिए कच्ची अदरक, जो कि बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी कीटनाशक, हल्दी और अदरक, और रिफ्रेश करते रहेंगे आपको। सेम इसी प्रकार से भी हमारे पास ठंडाई बनाई जाती है बादाम की, जिससे बादाम का तेल पूरा जितना उसका रस रहता वो अच्छे से निकल जाता, जल्दी हो जाता, और आपके हाथों का अभ्यास भी होता, आपके फोरआर्म्स का, आपके रिस्ट का, स्पेशली आपके शोल्डर का भी वर्कआउट इसमें हो जाता। अब इसके अंदर डालना है, देखिए इसका रंग कैसा चौखा आ गया। ये अजवाइन, अजवाइन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा। अजवाइन को भी अच्छे से बारीक पीस लेने का है। कैसी खुशबारी? एक नंबर।
मुदगर के साथ साथ रूम फ्रेशनर का भी काम करेंगे अगर इसको आप लगा करके अखाड़े में या आपके घर में, तो सिर्फ इसकी महक से ही आपको ताजगी महसूस होगी। ये पेस्ट बन के रेडी दोस्तों। आप इसके बाद दोस्तों जो अपन तेल गरम करने के लिए डाले थे उसका प्रोसेस बता। इसके बाद दोस्तों ये नीम के पत्ते जो कि गरम तेल में डालने के बाद डाल लो, हत्ता नीचे रह गया। जब पत्तों का कलर चेंज रहेगा दोस्तों तब नीम के पत्ते को हटा देना है आपको। ये देखिए पूरा काला हो गया नीम का पत्ता, अब इसको हटा देना है। पॉज कर, चालू करा। इसके बाद दोस्तों ये जो पेस्ट बनाए थे अपन अजवाइन का हल्दी का, इसको इसके अंदर रख देना है। पॉज कर। इधर ले दोस्तों ये तेल को ज़्यादा देर यानी पत्ते निकालने के बाद में जैसा कढ़ाई के ऊपर रहता वैसे बस वो मसाला डालने के बाद में उसको छोड़ देना है। जैसे कि मैं निकाला ये नीचे इमीडिएटली निकाल देने का इसको, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म रहता और जो अदरक और हल्दी है वो खुद ब खुद अपना रसायन छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा अगर इसको आप आँच पे लगाएंगे तो काला हो जाता है, इन्हें फ़ायदा नहीं रहता। बस इसको ऐसे ठंडे होने देने का है। इसके बाद इसको फिल्टर करना यानी इसको छान लेना है अच्छे से। एकदम ज़बरदस्त खुशबू इसकी हल्दी की, अजवाइन की, अदरक की, नीम के पत्ते की, बहुत अच्छी खुशबू। बने रही है हमारे साथ। तो दोस्तों तेल बन के रेडी है हमारा। इसको मुदगर के ऊपर आपको मसाज करना है, अच्छे से पिलाना है तेल। अजय अच्छे से लगाओ, पर तेल डालो नहीं वहाँ पर, नहीं यहाँ पर कभी भी नहीं लगाना दोस्तों, कभी भी इधर नहीं लगाना, यहाँ से स्टार्ट करो। लगाओ अच्छे से, बॉटल दो इधर हो, मुदगल को थोड़ा टेढ़ा करो, रगड़ो, शाबाश। देखिए जैसा जैसा डालते जा रहे अपन वैसा वैसा पीते जा रहा, वैसा वैसा सूखते जा रहा। पलटा जाए पता नहीं लोग इसके ऊपर बेचारे को भूखा रखने के लिए पेंट पॉलिश पीओपी पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। देखिए जैसा जैसा लगाते जा रहा, ये भी फ्रेश मुदगर हमारा, जैसा जैसा तेल लगाते जा रहा वैसा वैसा सूखते जा रहा। ज़रूरी है दोस्तों ये लगाना, मुदगर की क्वालिटी आपको लाइफ लॉन्ग कम से कम 50 साल, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 50 साल तक बने हुई रहेंगी। रगड़ो अच्छा, क्या क्या स्मेल आ रही है अजय, कई की आ रही, अजवाइन की आ रही है। ये देखिए दोस्तों जैसे कट बनाते हैं कट के अंदर इन्हें फैलते जाता और तेल टिका हुआ रहता, इसका इसीलिए ये कट बना जाता क्योंकि इसके अंदर तेल का ठहरा हुआ था। लोग तो यहाँ पर ग्रिप के ऊपर भी कट लगा देते हैं, वो समझ में नहीं आता वहाँ पर क्यों लगाते, जबकि ग्रिप के ऊपर एकदम स्मूथ रहना, एकदम चिकना रहना उन्हें। वहाँ पर अगर आप ग्रिप के ऊपर कट आ रहे तो वो
आपके हाथ को मूर्छित कर सकता। पलटाओ मत कर, पलटाओ या सुखा है देखो, और थोड़ा पलटाओ। राइट, लगा लगा, हाँ इधर रह गया, इधर रह गया। यहाँ पे ऊपर खाली मुट्ठी लट्ठू को रगड़ना है जब, खाली लट्ठू को, मुद्गर के मुट्ठी को, उधर ग्रिप पे नहीं, बस ग्रिप पे नहीं आना उन्हें, छोड़ दो। बाकी का तेल बचा हुआ वापस से लगा दो नीचे। जब अपने आपको इन्हें फ़ायदा पहुँचा रहा दोस्तों, तो अपन भी इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा ये मुद्गर लोप थोड़ा बड़ा वाला है, ये देखिए दोस्तों नेचुरल शाइन आ गई इसके अंदर, एकदम नेचुरल शाइन। थोड़ा अंदर से का हो जाए, थोड़ा सा लेटाओ। ये देखिए ये भी बबुल का रगड़ा हो जाए अच्छे से, जैसे कि आप देख रहे हल्दी का पीलापन छुटा हुआ है, अदरक, अजवाइन, नीम का पत्ता जो कि कीड़े लगने देंगे कभी भी, लकड़ी को अच्छे से होल्ड करके रखेंगे उसके अंदर, दीमक वगैरह को दूर रखेंगे, फ़ायदे ही फायदे। पलटाओ, और सरसों का तेल, ये आप बहुत ही आसान आपको मैं बताया तरीका बनाने का। इसके अंदर और भी दो तीन औषधि मिल डलती जो कि फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, बहुत जल्दी मंगा लूँगा मैं। अगर ये आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं, या अगर आपको चाहिए तो हम भी आपको दिला सकते हैं, या हमसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नीचे भी लगाओ जाए, अच्छे से लगाओ, लगाओ। देखिए जैसा कट के अंदर इन्हें जा रहा वैसा इन्हें फैलते जा रहा ऑयल तेल। नीचे लगाओ, अच्छा रब करो अच्छे से, पूरा घुमा दो, कहीं छोटा क्या, यहाँ थोड़ा छोटा हुआ दिख रहा, रगड़ो। ये देखे दोस्तों नेचुरल शाइन, इसके अंदर आपको कलर की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ पेंट की, ना पॉलिश की, नेचुरल पॉलिश एकदम। लगाओ वैसे बाजू उसको, ये देखिए दोस्तों नेचुरल खूबसूरती। थोड़ी सी मेहनत लेकिन लाइफ लॉन्ग आपका। तो दोस्तों ये था तेल के लिए, ध्यान रखिए जैसा अपने को जिस्म को अच्छे से रखने के लिए अपने को खाना, जूसेस यानी अपनी खाद और अपनी डाइट जितनी ज़रूरी उतने उससे उतनी ही ज़रूरी अपने को, जो अपने को ताकत पहुंचा रहा, जो अपने को हेल्थ बेनिफिट करा रहा, उसका भी ध्यान रखना अपन बहुत ज़रूरी। तो मार्केट के पेंटेड मुद्गरों से बचिए, पॉलिश करे हुए मुद्गरों से बचिए, एकदम नेचुरल मुद्गर आप अपनाइए, उसको अच्छे से तेल की मालिश कीजिए। तेल बनाने का प्रोसेस मैं आपको बताया, वो आप घर पर भी बना सकते हैं। अगर आपको घर पर बनाने में कुछ कठिनाई है तो हम आपकी सेवा में उपलब्ध है। बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल।